वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? तो स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है मई मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज हो चुकी या होने वाली सभी बढ़िया 17 वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनमें से कुछ पॉपुलर और कुछ वन टाइम वॉच वाली है, लेकिन सभी में से कोई भी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्टेंट हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं बना होता, जो उस जॉनर को पसंद करने वाले लोगों को ही पसंद आती है, जिनमें से कुछ रिलीज हो चुकी है और कुछ 6 मई तक रिलीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो और घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप तक लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसे ही पहुंचती रहे। तो इस लिस्ट में पहली मूवी है नंबर 17 पे साउथ की बड़ी क्राइम एक्शन मसाला मूवी भीमला नायक, जो इसी साल के शुरुआत में थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी तक इसे हिंदी डब में OTT पे रिलीज नहीं किया गया। वो अभी हिंदी डब में फ्री में यूट्यूब पे आर्ची एंटरटेनमेंट के चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है। हालांकि इसकी हिंदी डबिंग अनऑफिशियल जैसी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उस चैनल पे मिलियंस के करीब सब्सक्राइबर हैं और बहुत सी मूवीज अपलोड की गई हैं। तो ऑफिशियल चैनल है, लेकिन इसके बावजूद हिंदी डबिंग उम्मीद से काफी खराब रही है। नंबर 16 पे है साउथ की मलयालम मूवी, जो वैसे तो साउथ में 2020 में रिलीज हुई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, और अभी इसको हिंदी डब करने के बाद ट्रेंस नाम के साथ 1 मई को लायंसगेट प्ले और अमेज़न पे एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी एक बंदे वीजू की है, जो एक एजेंसी से मिलता है और फिर उसे एक नकली पास्टर बना दिया जाता है और स्टेज पे जादू दिखाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम लोग इंडिया में चमत्कार भी कहते हैं, और जो हमारे सामने चमत्कार कर देता है हम उसे बाबा बना देते हैं। ऐसे ही इंडिया में कई सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है इस मूवी की कहानी। नंबर 15 पे है साउथ की हिंदी डब मूवी, जो 11 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में रिलीज की गई थी, मारन। इसे अभी हिंदी डब करने के बाद यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है, और वो भी सेम ही चैनल आरजी एंटरटेनमेंट के चैनल पे, जिसमें साउथ के सुपरस्टार धनुष मेन रोल में है, और इस कहानी में वो एक रिपोर्टर के कैरेक्टर में है, जो करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक आर्टिकल लिखता है, जिसके कारण अभी उसकी और उसके साथ वालों की जान खतरे में आ गई है। बाकी क्या होता है अब हिंदी डब में यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं, हालांकि हिंदी डबिंग इसकी भी उतनी अच्छी नहीं है। नंबर 14 पे है हिंदी 18 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज बेक्ड का सीजन 3, जिसको पहले लास्ट मंथ में रिलीज होना था, लेकिन पोस्टपोन होने के बाद अभी 2 मई को वूट पे रिलीज कर दी गई है, जिसमें कहानी है कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की। एक्चुअली फ्रेंड्स बेस्ट नहीं, कमीने होते हैं। बस इस सीरीज में भी उन कुछ कमीने फ्रेंड्स की कहानी दिखाई जाएगी, जो एक रोड ट्रिप पे निकलते तो एक साथ हैं, लेकिन सबके मकसद अपने अपने हैं, जो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन काफी हंसाने वाली सीरीज है। नंबर 13 पे है कुछ टाइम पहले अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई एक बढ़िया ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी गुच्ची, जिसके बारे में मैं आपको बताना मिस कर गया था, जिसकी कहानी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ब्रांड गुच्ची की है, जो असल में एक ब्रांड नहीं बल्कि फैमिली का सरनेम है, जिसे हम बड़ी शान से कई हजार रुपए देके खरीदने के बाद पहनते हैं, लेकिन इस बड़े नाम के पीछे एक दर्दनाक सच्ची कहानी छुपी हुई है, जिसको इस मूवी में दिखाया गया है, जिसमें हॉलीवुड के बड़े नाम जैसे लेडी गागा, एडम ड्राइवर और अल पचिनो जैसे एक्टर्स मेन रोल में हैं। नंबर 12 पे है साउथ की बड़े बजट वाली एवरेज सी वन टाइम वॉच मूवी राधे श्याम, जो लगता है कि इंडिया के करप्ट पॉलिटिशियंस की ओर से टेंडर बांटते हुए सरकारी पैसे से बनी मूवी है, जिसका बजट तो 300 करोड़ का है, लेकिन ये 300 करोड़ इस मूवी में लगा कहाँ है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जिसमें कुछ 2-4 सीन्स को छोड़ के सारी मूवी का बैकग्राउंड कार्टून एनिमेशन वाले लगते हैं, जो 23 अप्रैल को जी सिनेमा पे टीवी प्रीमियर होने के बाद अभी 4 मई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल होने जा रही है। नंबर 11 पे है निकोलस केज की सच्ची कहानी पे बेस्ड एक्शन वॉर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी USS इंडियानापोलिस, जो आज मतलब के 4 मई से नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होने वाली है, और कमाल की सच्ची कहानी वाली मूवी है, जिसमें अमेरिका की इंडियानापोलिस के कुछ जवान जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फिलीपींस में अपने शिप में आते हैं उस बड़ी जंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उल्टा उन पे ही हमला हो जाता है और वो शिप डूबने के बाद खुले समंदर में खतरनाक शार्क्स के बीच बिना खाने और पानी के फंस जाते हैं। अब कैसे सर्वाइव कर पाते हैं इस अमेजिंग मूवी में दिखाया जाएगा, जो अभी ओनली इंग्लिश में ही आने वाली है। नंबर 10 पे है ब्रूस विल्स की एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर कॉमेडी थ्रिलर मूवी वंस अपॉन ए टाइम इन वेनिस, जो भी 4 मई को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। कहते हैं कि कुत्ता इंसान का बड़ा वफादार होता है, लेकिन इस कहानी में कोई ब्रूस विल्स के कुत्ते को उठा के ले जाता है, और अब ब्रूस इस कहानी में दिखाएगा कि अगर कुत्ते इंसान के बढ़िया दोस्त होते हैं तो इंसान भी किस हद तक जा सकता है अपने वफादार दोस्त को बचाने के लिए। फुल एक्शन पैक्ड मूवी है, जिसमें कॉमेडी भी बढ़िया देखने को मिलेगी। नंबर 9 पे है ब्रूस विल्स एंड बटिस्टा की क्राइम एक्शन थ्रिलर हाइस्ट मूवी मर्डर्स, जो भी 4 मई को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में अवेलेबल होने वाली है,
जिसमें कुछ मास्क पहने हुए बंदे एक बड़ी बैंक को लूटने के बाद मैनेजर को मार के चले जाते हैं। फिर एफबीआई एजेंट ब्रूस को इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट मिलते हैं जो मैच होते हैं एक आर्मी ऑफिसर से जो पहले ही एक मिशन के दौरान मारा जा चुका होता है, जिसकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिली थी। तो क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है इस मूवी में, वही इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई 4 पार्ट्स वाली लिमिटेड ट्रू इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री सीरीज मेल्टडाउन 3 माइल्स आइलैंड, जो भी 4 मई को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी में अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े हादसे को दिखाया जाएगा, जब पेंसिल्वेनिया शहर में बने हुए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ एक बड़ा हादसा, जिसमें वहां काम करने वाले और 3 माइल्स में फैले इस आइलैंड पे रहने वाले सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पेंटावरेट, जो 5 मई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली 6 एपिसोड वाली सीरीज है, जिसकी कहानी 1347 में फैले ब्लैक प्लेग के बाद की होने वाली है, जब चूहों के कारण फैली इस बीमारी को चर्च वाले भगवान का दिया हुआ शराब बताने लगे। तो 5 बंदे इसके खिलाफ खड़े होते हैं और उनका पर्दाफाश करने के लिए एक टीवी रिपोर्टर के साथ मिलकर इस कहानी में दुनिया को सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। नंबर 6 पे है स्टार ट्रैक फ्रेंचाइजी की एक नई साईफाई फैंटेसी एडवेंचर सीरीज स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स, जो 5 मई को इंडिया में वूट पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। अभी तक तो इसकी हिंदी डबिंग की कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर होती है तो मैं ज़रूर बताता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल भी होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं, बंदा आपकी सेवा में हाजिर होगा। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम 18+ अडल्ट डार्क कॉमेडी लिमिटेड वेब सीरीज क्लार्क, जो 5 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है और एक बढ़िया सच्ची कहानी है एक बैंक रॉबर क्लार्क की, और इस पूरी वेब सीरीज में उसकी जिंदगी के एडवेंचर और पागलपन भरी जिंदगी को दिखाया जाएगा, जिसमें उसने लड़कियों के साथ ऐश करने से लेके बैंक लूटने तक के कारनामे किए, और ये अकेले में ही कानों में हेडफोन्स लगा के देखने वाली अडल्ट कॉमेडी सीरीज है। नंबर 4 पे है हुलू की एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन सीरीज ड्रैगन्स का सीजन 2, जो 5 मई को हुलू पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक्शन कॉमेडी एडवेंचर इमोशन सब कुछ देखने को मिलेगा, मतलब के कुल मिला के फुल मसाला सीरीज है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज वाइल्ड बेबीज, जो भी 5 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, वैसे ये हिंदी में हो या इंग्लिश में हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसमें कुछ क्यूट से लेके खतरनाक जंगली जानवरों के बच्चों को दिखाया जाएगा। नंबर 2 पे है हिंदी डब फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पेट पुराण, जो ओरिजिनली मराठी वेब सीरीज है और 6 मई को सोनी लिप पे हिंदी डब के साथ और भी बाकी कई साउथ की लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक न्यू मैरिड कपल की होने वाली है जिन्हें उनके अपने बच्चे फिलहाल नहीं चाहिए, तो वो एक कुत्ते और बिल्ली को पालने की सोचते हैं। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थार, जिसमें अनिल कपूर एंड सन मेन रोल्स में होने वाले हैं, और इस मूवी की कहानी एक बदले की कहानी होने वाली है, जब एक छोटे गांव का बंदा शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आता है, लेकिन उसका असली मकसद अपने पास्ट का बदला लेने का होता है, जो 6 मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी जाएगी। आज की लिस्ट में इतना ही, अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।